लगभग सभी पुरुषों के मन में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आता है कि किसी फीमेल को किस तरह का सेक्स करना पसंद होता है और कब पसंद होता है। खासकर पोजीशन को लेकर उनके मन में एक अलग ही क्यूरियोसिटी होती है कि किस महिला को किस तरह की पोजीशन में सेक्स करना अच्छा लगता है। वैसे तो हर फीमेल अलग है, उसकी च्वाइस कपड़ों को लेकर खाने को लेकर अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीज ऐसी होती है जो सभी की पसंद होती है, लाइक गोलगप्पे, पापड़ी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर महिला को पसंद होती है। इसी तरह से कुछ पोजीशन ऐसी होती हैं जो कि ज्यादातर महिलाओं की कंफर्ट जोन में आती है और वो उसे करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और उन्हें सबसे ज्यादा प्लेजर उन्हीं पोजीशन में मिलता है। कौन सी ऐसी तीन बेसिक पोजीशन है उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं उन पोजीशन के बारे में तो बने रहिए, क्या पता आपकी पार्टनर की भी वही पोजीशन हो फेवरेट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हर फीमेल की जो च्वाइस होती है पोजीशन को लेकर वो अलग अलग होती है, लेकिन इसके बावजूद भी काफी चीजें डिपेंड करती है उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर और उसके कंफर्ट जोन के ऊपर कि वो किस पोजीशन के साथ खुद को ज्यादा सहज महसूस करती है। देखा जाए तो तीन बेसिक पोजीशन है, मिशनरी पोजीशन, डॉगी पोजीशन और वुमेन ऑन द टॉप, जिसके इर्द गिर्द ही उसकी पूरी सेक्स लाइफ घूमती रहती है। बस औजार बढ़िया होना चाहिए बंदे का, खुश रहेंगी वो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिशनरी पोजीशन, वही वो लेटे लेटे वाली पोजीशन जिसमें कोई लेडी जो है वो पीठ के बल लेट जाती है, सबसे ज्यादा चाहे जाने वाली पोजीशन में से एक है, जिसमें कोई फीमेल खुद को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है और उसे आनंद भी इस पोजीशन में ज्यादा मिलता है। ये पोजीशन इसलिए भी उसकी वन ऑफ द फेवरेट पोजीशन में से एक होती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्लोज अपने पार्टनर को इसी पोजीशन में महसूस करती है, उसको इंटीमेसी और इमोशनल बॉन्ड बनता हुआ नजर आता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट उसे महसूस होता है, स्किन टू स्किन वो बहुत ज्यादा करीब खुद को महसूस करती है। और दूसरी चीज, ज्यादातर महिलाएं बेडरूम में अपने जो कमांड है वो अपने मेल पार्टनर के हाथ में देना चाहती है, तो वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल, रिलैक्स और फ्री महसूस करती है अपने कमांड अपने पार्टनर के हाथ में देके कि बस लेटी रहती है और लेती रहती है। नाउ नेक्स्ट पोजीशन जो उसकी फेवरेट पोजीशन में से एक होती है वो है डॉगी पोजीशन। जब किसी फीमेल को सेक्स के तरीके से करना होता है तो वो अपना फुल सपोर्ट देती है और खुद से करती है, डॉगी पोजीशन के लिए खुद से तैयार होती है, अपने बॉडी का वो सही एंगल सेट करती है क्योंकि इस पोजीशन में उसे डीप पेनिट्रेशन महसूस होता है और उसे प्लेजर ज्यादा मिलता है। देखा जाए तो इस पोजीशन में दोनों ही मेल फीमेल पार्टनर को बेहतर एंजॉयमेंट फील होता है। हाँ, इरेक्शन जबरदस्त होना चाहिए, अगर इरेक्शन ढीला है तो ये किसी फीमेल का मूड भी खराब कर सकता है। 35 साल तक तो कोई भी फीमेल बहुत अच्छे से इस पोजीशन को एंजॉय करती है, खुद से तैयार होती है, लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 35 के बाद मैक्सिमम फीमेल के साथ उनकी जो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इश्यू शुरू हो जाता है। हाँ, लेकिन उसकी बढ़ती हुई उम्र के साथ उसकी बॉडी से रिलेटेड ऐसे कोई इश्यू नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई है, कोई मेडिकल इश्यू उसके साथ नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते रहो। नाउ द थर्ड बेसिक पोजीशन जो कि किसी वुमेन की सबसे फेवरेट पोजीशन में से एक होती है वो है वुमेन ऑन द टॉप, जिसे आप काउगर्ल के नाम से भी जानते हैं। ये उसकी फेवरेट पोजीशन इसलिए भी होती है क्योंकि पूरी बॉडी का कंट्रोल, उसकी मूवमेंट का पूरा जो एक हैंडल होता है वो उसके हाथ में होता है। और वैसे भी सीधा खड़ा ग्लास जल्दी छलकता नहीं है, तो ये भी एक कारण है कि इसमें जो फीमेल की जो मूवमेंट है वो ज्यादा होती है कंपैरिजन ऑफ मेल के, तो जिसकी वजह से जो मेल है उसकी मूवमेंट कम होने की वजह से वो देर तक टिक पाता है। तो ये थी वो तीनों बेसिक सी पोजीशन जिसके लिए कोई वुमेन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, क्योंकि वो शुरू शुरू में ट्राई सब कुछ करती है लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऐसी उसकी फेवरेट पोजीशन बन जाती है जो उसे लगता है कि मैं इसमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हूँ, मुझे इसमें ज्यादा प्लेजर महसूस होता है, और उनकी वो कुछ लिस्ट तैयार कर लेती है और फिर उनकी जो बेडरूम लाइफ है, जो उनकी सेक्स लाइफ है, वो उन्हीं तीन चार गिनी हुई पोजीशन के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वो पोजीशन कोई भी हो सकती है, इनमें से कोई ना कोई एक पोजीशन उनकी फेवरेट जरूर होगी। वेरिएशन जरूर इसमें वो ट्राई करती रहती है कि हाँ मिशनरी पोजीशन है तो लेग रेज कर लेंगी या चेस्ट की तरफ अपने घुटने मोड़ लेंगी, डॉगी पोजीशन में पिल्लो लगा लेगी कंफर्टेबल होने के लिए, तो वेरिएशन उसमें वो ट्राई कर सकती है। मैं तो देखो यही कहूंगी कि शुरू शुरू में आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ सारी पोजीशन ट्राई करो, क्या पता उसका इंटरेस्ट किस में डेवलप हो, जिस पोजीशन में वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है और उसे प्लेजर ज्यादा मिलता है बस उसको ज्यादा करो, बाकी सारी कभी कभी मूड के हिसाब से कि चलो आज कुछ ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, आप एक अलग से माहौल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अच्छा वही रहेगा कि जिसमें से ज्यादा प्लेजर मिलता है उसी चीज को आप बार बार करो। हाँ, अगर आप दोनों ही एक्सपेरिमेंटल नेचर के हो, सेक्स के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करने का, पोजिशन के साथ नई नई चीजें ट्राई करने का आप शौक रखते हो, तो वो बात एक अलग है। तब तक कुर्सी क्या, टेबल क्या, स्टूल क्या, बाथरूम क्या, बैल्कनी क्या, सब आपको कम पड़ेगा, तो वो डिपेंड करता है चॉइस के ऊपर और आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, आपके बॉन्ड के ऊपर कि आप दोनों जो पार्टनर हो उनका सेक्स को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है
और वो किस नजरिए से सेक्स को देखते हैं, क्या वो सेक्स लवर है। अगर ये चीजें हैं तो आप अलग अलग तरीके से हर चीज को ट्राई कर सकते हो। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पोजीशन आप चाहे कोई भी ट्राई कर लो, लेकिन उसमें मजा तभी आएगा जब आपके पीनस में वो हार्ड इरेक्शन होगा, क्योंकि पोजीशन मतलब जेनिटल का सुख, किसी फीमेल को उसके वजाइनल प्लेजर देना, उसको जेनिटल का सुख देना, और वो तो तभी पॉसिबल है जब आपके पीनस में हार्ड इरेक्शन होगा, और उसी की तो आजकल कमी रहती है लोगों में। हाँ, इस पोजीशन में कर रहा, उस पोजीशन में करना है, लेकिन जो पिनाइल हेल्थ है वो लुंज पुंज है, वो उस लेवल पे नहीं है। तो पोजीशन से ज्यादा पोजीशन पे तो आप फोकस करो ही, लेकिन उससे ज्यादा अपने पिनाइल हेल्थ पे फोकस करो, उसमें वो हार्ड इरेक्शन होना चाहिए। तो ये था मेरी तरफ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको वुमेन की वो फेवरेट पोजीशन के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।